कावासाकी डिजीज बच्चों को अफेक्ट करने वाली एक रेयर कंडीशन है। ये शरीर में आर्टरीज के इन्फ्लेमेशन सूजन का कारण बनती है, स्पेशली हार्ट में। इस कंडीशन को एक जापानीज पीडियाट्रिशियन डॉक्टर तोमिसाकू कावासाकी ने 1960s में डिस्क्राइब किया था। कावासाकी प्राइमरीली 5 साल से कम आयु के बच्चों को अफेक्ट करता है। ये एशियन ओरिजिन के बच्चों में, खासकर लड़कों में, ज्यादा कॉमन है। कॉम्प्लिकेशंस डेंजरस होने के कारण उनको रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट इम्पेरेटिव है। कावासाकी डिजीज तेज बुखार के साथ शुरू होता है, 5 दिनों से ज्यादा रहता है। रेगुलर फीवर मेडिकेशन से बुखार ठीक नहीं होता। बच्चे की आंखें लाल हो जाती है मगर उनमें स्त्राव सिक्रीशन नहीं होते। होंठ लाल, सूखे और फट जाते हैं। जीभ लाल और सूजी हुई दिखाई देती है, जिसे स्ट्रॉबेरी टंग कहा जाता है। हथेलियां और तलवे सूज सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हाथों पैरों की स्किन चमड़ी छिल सकती है। शरीर पर, स्पेशली छाती या पीठ पर, दाने निकल सकते हैं। बच्चे को जोड़ों में दर्द, सूजन का एक्सपीरियंस हो सकता है। गर्दन में सूजी हुई लिम्फ नोड्स कॉमन है। डिस्कम्फर्ट के कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है। कावासाकी 3 स्टेजेस में होता है। एक्यूट स्टेज 1 से 2 हफ्ते चलता है, जिसमें तेज बुखार, लाल आंखें, दाने और हाथ पैरों में सूजन दिखती है। सब एक्यूट स्टेज यूजुअली 2 से 4 हफ्ते चलता है, और जिसमें त्वचा का छिलना, जोड़ों में दर्द और हार्ट कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। कॉन्वेलेसेंट स्टेज 4 से 6 हफ्ते रहता है, जिसमें सिम्टम्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हार्ट अफेक्ट हो सकता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो कावासाकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। ये हार्ट के ब्लड वेसल्स की सूजन, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। एक और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है करोनरी आर्टरी एनुरिज्म और उसका फटना। करोनरी धमनी और उसके ब्रांचेस एक मेजर आर्टरी है जो हार्ट को कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई करती है। कुछ बच्चों में मायोकार्डाइटिस हो सकता है, जो हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन है। कुछ केसेस में हार्ट के वैल्व्स अफेक्ट होते हैं, तो कुछ में दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है। टाइमली ट्रीटमेंट इन कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम कर सकती है। कावासाकी के डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। डायग्नोसिस सिम्टम्स और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर किया जाता है। डॉक्टर तेज बुखार, लाल आंखें, नेक स्वेलिंग, स्ट्रॉबेरी टंग, स्किन पीलिंग और सूजन जैसे सिम्टम्स की जांच करते हैं। ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। हार्ट का एग्जामिनेशन इकोकार्डियोग्राम से किया जाता है। ये एग्जामिनेशन करोनरी आर्टरीज के स्टेटस का पता लगाता है। करोनरी आर्टरीज डैमेज्ड है कि नहीं, अगर है तो वे कितनी डैमेज्ड है, ये पता लगाने में इकोकार्डियोग्राम हेल्पफुल होता है। हार्ट हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए रेगुलर फॉलोअप करना जरूरी है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए टाइमली ट्रीटमेंट इज वाइटल। मुख्य उपचार इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि IVIG है। सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए IVIG को दिया जाता है। IVIG नसों के माध्यम से दिया जाता है। ये कावासाकी से हार्ट को होने वाले डैमेज को कम कर सकता है। फीवर और सूजन को कम करने के लिए हाई डोज एस्पिरिन भी दी जाती है। एस्पिरिन सूजन वाली आर्टरीज में ब्लड क्लॉटिंग को रोक सकती है। कुछ बच्चों को हार्ट प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर्स ब्लड को पतला करने वाली दवा भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, क्लोपिडोग्रिल और डाइपिरिडामोल जैसे मेडिकेशंस भी दिए जा सकते हैं। एक्यूट स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी हो सकता है। ज्यादातर बच्चे प्राइमरी ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। आमतौर पर रिकवरी को हफ्तों से महीने लग सकते हैं। रिकवरी के दौरान बच्चा थका हुआ या कमजोर फील कर सकता है। रेगुलर चेकअप्स आर नीडेड टू मॉनिटर हार्ट हेल्थ। लॉन्ग टर्म हार्ट रिलेटेड इश्यूज आर रेयर बट पॉसिबल। हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होने पर बच्चों को ईयरली हार्ट एग्जामिनेशन नेसेसरी होता है। रिकवरी के बाद बच्चे आमतौर पर नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों के लिए कोई लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। कुछ बच्चों को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स टेम्परेली अवॉइड करने पड़ सकते हैं। अगर वे ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो ये चोट से बचने के लिए है। पेरेंट्स को हार्ट रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स को समझना जरूरी नहीं, बट हेल्पफुल तो डेफिनेटली है। इससे किसी भी अनयूजुअल सिम्टम को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। दवाओं जांचों के बारे में अपने डॉक्टर की एडवाइस का पालन करें। आपातकालीन सहायता कब लें? अगर आपके बच्चे को सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत मदद लें। दिल की धड़कन तेज होना, कमजोर फील होना, सांस फूलना, पैरों की सूजन, चेहरे की सूजन कॉम्प्लिकेशंस के सिग्नल हो सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट के बाद बुखार वापस आता है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। बच्चे के बिहेवियर में कोई भी सडन चेंज हो तो तुरंत ध्यान दें। कावासाकी को रोकने का कोई नोन तरीका नहीं है। ये इन्फेक्शियस कंटेजियस नहीं है। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में नहीं फैल सकता। कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट ही इम्पोर्टेंट है। कावासाकी डिजीज एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसका इलाज किया जा सकता है। सिम्टम्स को समझने से अर्ली डायग्नोसिस में मदद मिलती है। सही और टाइमली ट्रीटमेंट के साथ मेजॉरिटी बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। रिकवरी के बाद रेगुलर हार्ट चेकअप्स लॉन्ग टर्म हेल्थ एंश्योर करते हैं। विद दैट सेड गाइस, वी एंड दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो प्लीज कॉमेंट बिलो। सब्सक्राइब टू अभिजीत। अडियोस।